In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sirrana. Respected student, today we are going to discuss Jane Austen. We'll discuss Jane Austen, Jane Austen biography, life. We'll discuss certain question from Pride and Prejudice. आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। ये काइंडली किसी का माइक है, माइक का प्रॉब्लम है, उसे जरा ऑफ कर दें माइक को, कोई प्रॉब्लम आपके आ रहा है। जेन ऑस्टन एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और ये 1775 में इंग्लैंड में पैदा हुई हैं और 1817 में इनकी डेथ हुई है। लाइफ इन्होंने आइसोलेशन में गुजारी है और इन्होंने शादी भी नहीं की। कहते हैं कि जेन ऑस्टन के बारे में कहा जाता है कि शी वॉज द परफेक्शनिस्ट। 27 ईयर में इन्होंने 6 नावल लिखे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि परफेक्शनिस्ट बंदा वो होता है कि जो हर काम की तकमील चाहता है। मिसाल के तौर पर परफेक्शनिस्ट ऐसा होगा कि कोई स्टोरी लिखेगा, उसको दोबारा फिर उसको उसकी स्क्रीनिंग करेगा, उसको फिर दोबारा से उसको रीशेप करेगा, फिर दोबारा लिखेगा, हर तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं परफेक्शनिस्ट। कि दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हर चीज़ में वो तकमील चाहती थी, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे डोमेस्टिक लाइफ हो, चाहे हाउस अफेयर हो, चाहे डोमेस्टिक अफेयर हो, जहाँ भी हो, जिधर भी है, वो चाहती थी इसमें परफेक्शन हो। इसीलिए वो कहती है कि अगर आप किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, किसी के साथ आप लाइफ स्पेंड करते हो, तो उसमें क्या हो, म्यूचुअल हारमोनी हो, हमांगी हो, अंडरस्टैंडिंग हो और आप एक दूसरे को जानो। मिस्टर दो ही पेयर को आइडलाइज किया है प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर। इसने दो पेयर को आइडलाइज किया है, जो मैरिज के दो पेयर हैं, जो मैरिज का थीम है ना मेन, तो उसमें दो पेयर को उसने आइडलाइज किया। एक है मिस्टर और मिस्टर गार्डनर, जो आंटी और अंकल और आंट होते हैं किसके, जैन और एलिजाबेथ के, तो जितनी भी वो 5 डॉटर्स हैं बेनेट की, उसके वो यानी आंट और अंकल हैं उनके। मिस्टर और मिस्टर गार्डनर, उन दोनों के पेयर को आइडलाइज किया है और डार्सी और एलिजाबेथ के पेयर को आइडलाइज किया। बाकी सारे पेयर को वो कहती है किसी ना किसी इंटरेस्ट बेस है। चलें जी, हम डिस्कस करेंगे कि मैरिज का थीम क्या है और कौन कौन से बेस्ट पेयर हैं, किस किस को उसने आइडलाइज किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी ना किसी फॉर्म में आ सकता है, आया भी हुआ है। हम ये डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा आपको किसको हमने कैसे डिस्कस करना है। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा था कि आप अपने पेंसिल और अपना कागज़ जो है वो रेडी रखें, ताकि आपको जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊँ वो आप साथ साथ लिखते जाएं। जेन ऑस्टन के अंकल जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर थे, फादर इनके रेक्टर थे। रेक्टर का मतलब होता है प्रीस्ट, और वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। और इनकी मदर जो थी वो भी हाईली एजुकेटेड लेडी थी, और इसी वजह से इनको घर का माहौल ही अच्छा मिला और इनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। इन्होंने बड़ा वाइडली रीड किया लिटरेचर को। लेकिन कहते हैं कि जेन ऑस्टन की राइटिंग में हम एक चीज़ का ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इनके क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं किए, घर में रहीं, तो लाइफ बड़ी लिमिटेड लेती हैं, करेक्टर बड़े लिमिटेड से होते हैं। और इनका प्रोटैगोनिस्ट देखेंगे तो प्रोटैगोनिस्ट के अंदर भी कोई जान नहीं होती, वो ऐसे लगता है कि जैसे नॉर्मल करेक्टर ही। चलें डिस्कस करते हैं। मिस्टर विकम इसका विलन है, जो देखने कितना बड़ा विलन है। क्या वो अयागो जैसा है? क्या वो दीगर जो जैसे वो टेस में जो एलिक होता है वैसा है, या इस तरह के जो विलन है वैसा तो नहीं है? बड़े सिंपल, बड़ा सिंपल सा विलन भी ऐसे लगता है जैसे कोई सिंपल सा विलन, कोई प्लोनियस वो क्लोडियस जैसा नहीं है, अयागो जैसा नहीं है, या एलिक जैसा नहीं है टेस्ट वाला।
टेस्ट ऑफ डर्बेविल में जो विलन होता है वैसा नहीं है, बड़े सिंपल से विलन होते हैं, करेक्टर बड़े फ्लैट से होते हैं, फील हो रहा होता है कि राउंड भी होते हैं फ्लैट भी होते हैं, यानी वो दोनों यूज करती है, लेकिन वो जॉर्ज इलियट की तरह उनकी इनसाइट में नहीं जाती, उनको डीपली नहीं दिखाती उनके माइंड को। तो बाकी ये चीज़ है कि बड़े लिमिटेड से घरेलू डोमेस्टिक मैरिज सोशल अफेयर सामाजिक अफेयर कम्युनिटी के अफेयर जो सराउंडिंग के अफेयर घर के अफेयर घरेलू अफेयर ये चीज़ें वो दिखाती है, ज़्यादा कोई इंटरनेशनल लेवल पे या कोई सेटिंग वो नहीं दिखाएगी, कोई आयरलैंड की सेटिंग है कहीं पे डेनमार्क की सेटिंग है या कहीं पे वो मिडल ईस्ट की सेटिंग है, कोई उस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएगी, बस अपने घर के सराउंडिंग ही बातों को डिस्कस करेगी। ऑस्टन जेन ऑस्टन ने वेरी यंग लाइफ में फिक्शन राइटिंग स्टार्ट कर दी। लव एंड फ्रेंडशिप इन्होंने लिखा जब ये 14 साल की थी और इन्होंने 6 नावल लिखे। 6 नावल जो हैं वो एक अपनी मिसाल आते हैं। आप प्राइड एंड प्रेजुडिस को ही ले लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें कितने पेयर्स दिखाए गए हैं और उसमें आइडलाइज्ड पेयर कैसे दिखाए हैं और जो जिनको आइडलाइज नहीं किया, जो सेक्स बेस हैं, जो सेक्सुअल और सेंसुअल बेस हैं और जो कुछ इंटरेस्ट बेस हैं, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, कुछ ग्रीडी बेस रिलेशन बने हुए हैं, कुछ अट्रैक्शन बेस पे बने हैं, जैसे जैन और बिंगले का जो रिलेशन है वो भी एक कंकॉक्टेड और नाम नहा सुपरफिशियल सा रिलेशन लगता है कि वो बनाया जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, वो जो मिसेस बेनेट हैं उनको इकट्ठा कर रही है कि बस जी इकट्ठे हो जाएं और फिर वो जैसे वो स्टार्ट करती है, वो एक स्टार्ट ही है इसके नावल के अंदर आपको आयरनी मिलेगी कि जब वो स्टार्ट करती है नावल को तो उसके अंदर ही कि ट्रूथ जैसे वो कहता है इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नोलेज दैट अ सिंगल मैन इन अ पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन नीड ऑफ अ गुड वाइफ। अब इसके अंदर ही आयरनी है। मिसेस बेनेट कहती हैं कि जो इंसान अच्छी फॉर्चून रखता है, पैसा अच्छा है, दौलत अच्छी है, उसे एक वाइफ की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। तलाश जो है वो कर रही हैं, जो सिक्स जो उसकी सिस्टर हैं, जो सिक्स सिस्टर हैं, बेनेट सिस्टर हैं, वो खुद तलाश कर रही हैं। हस्बैंड तो ऐसे लगता है जैसे वो चेज कर रही हैं। ये तो टोटली एक आयरनी है, फील होती है कि वेरी फर्स्ट सेंटेंस से ही आयरनी स्टार्ट हो जाती है मिडिल क्लास औरत की। अब आगे देखिएगा, ये नावल्स के कुछ नाम लिख लें जो इसने 6 नावल लिखे हैं, उनके ज़रा नाम लिख लें। ये सेंसर सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो 1830 में लिखा है और सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में लिखा है, और इसके अलावा मेंस फील्ड पार्क जो है 1814 में लिखा है, ईमा और पर्सुएशन जो है वो 1818 में लिखा है। तो ये जो नावल है मोस्टली इसमें आयरनी और स्टार जो है ये मेन टूल है इसका, जो ये यूज़ करती है अपनी बात को कन्वे करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, सटायर करने के लिए सोसाइटी के ऊपर ये यूज़ करती है। जेम्स स्कॉट साउथे और कॉलरेज ने इसके वर्क को प्रेज किया है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। कहते हैं कि 1860 और ऑनवर्ड जेन ऑस्टन की हेल्थ अच्छी नहीं रही, शी वॉज अनमैरिड, शादी नहीं कर सकी, और 1870 को इनकी डेथ होती है, 1870 को आखिरकार इनकी डेथ होती है और शी वॉज बरीड इन विंचेस्टर कैथेड्रल, वहाँ पे इनको दफनाया जाता है, और डेट वॉज हर लाइफ, शी वॉज डाइड अनमैरिड ही इनकी डेथ हो गई, इनकी ये शादी नहीं कर सकती। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन का बताऊँ कि हमने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसकी करेक्टराइजेशन आपने पहले भी सुनी है, आपको पता होगा, आपने मेरे पहले लेक्चर भी सुने होंगे। आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसकी करेक्टराइजेशन, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें आयरनी है, वो पूछ सकते हैं कि ये आयरनी का क्वेश्चन आए तो आप ये पहला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे कि इस नावल के अंदर आयरनी से स्टार्ट होता है ये नावल। इट इज़ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नोलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ द गुड फॉर्चून मस्ट बी नीड ऑफ अ वाइफ।
It is truth universally acknowledged that a single man in a possession of a good fortune must be in need of a good wife. कि ये universally acknowledged है कि एक single आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, a good fortune हो, must be need of a good wife. उसे एक अच्छी wife की ज़रूरत है. अब यहाँ पे irony जो है हम इसके अंदर से find कर सकते हैं कि irony ये है कि whether female are finding husband or male are finding husband. और यहाँ पे हम देखते हैं कि female जो Mrs. Bennett है वो husband find कर रही है अपनी बेटियों के लिए, जो कि एक irony है. देखिएगा, एक question आपको बताते हैं. Limited range, ये question आया हुआ है और ये आ सकता है, फिर उसको नोट कीजिएगा. जेन ऑस्टन्स वर्ड इज लिमिटेड बट हर आर्ट इज सुपर्ब, एक्सप्लेन, पीयू 1991. जेन ऑस्टन्स वर्ड इज लिमिटेड, क्योंकि जेन ऑस्टन ने ज्यादा सफर नहीं किया, जेन ऑस्टन बाहर नहीं गई, समाना नहीं देखा, घर सोसाइटी में रही है, कम्युनिटी में रही है, उसके सराउंडिंग की लाइफ लेती है, घरेलू लाइफ जो है वो डिस्कस करती है, डोमेस्टिक इश्यूज को डिस्कस करती है, मैरिज के कंसेप्ट को डिस्कस करती है, और उसके अंदर लव, सेक्स और रोमांस और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करती है. वो आपके इसके मेन टॉपिक आपको मिलेंगे. तो ये है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पीयू में आया है.